सो है गाइस दोस्तों, आज के यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम बताने वाले हैं वन प्लस नाइन के कुछ स्पेसिफिकेशन और गाइस कब लॉन्च होगा, कितने प्राइस होगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना मत भूलना। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो 5G है, जो कि हर एक फोन के साथ मिलता है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है गाइस वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर, जिसमें आप लोग गेमिंग करिए या फिर कोई हार्ड वर्क करिए, इस फ़ोन के अंदर कभी भी लैग नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120 GHz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 0.55 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और दोस्तों डिस्प्ले में हमें बेजल डिस्प्ले वो भी 5 होल डिस्प्ले का साथ मिलता है। और ग्राफिक्स है यहाँ पर हमें एड्रेनो का 650 का देखने को मिल जाता है। और गाइस USB टाइप सी है गाइस, यहाँ पर हमें कुछ चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। और इसका जो बैटरी है वो है 5000 mAh का बैटरी है, काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो देखने को मिल जा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर ही है। और गाइस यहाँ पर जो एंड्रॉयड है वर्शन है वो है 11। और गाइस यहाँ पर जो हेडफोन जैक है वो 3.5 mm हेडफोन जैक है। यहाँ पर हमें कोई डोंगल या फिर और कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो कैमरा है यहाँ पर हमें बैक कैमरा 64 MP प्लस 60 MP प्लस 8 MP का, एंड फ्रंट कैमरा जो है 32 MP का देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोस कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड बैक में हमें थोड़ा थोड़ा आईफोन के जैसा ही लुक देखने को मिल जाता है, आईफोन 11 12 के जैसा ही लुक देखने को मिल जाता है। एंड गाइस फ़ोन की फिजिकल की बात करें तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। और गाइस प्राइस रेंज की बात करें तो शायद 47,000 हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट है, अभी ऑफिशियल कोई भी बातें यहाँ पर लीक नहीं हुआ है। और जो रिलीज डेट है हमें यहाँ पर दिसंबर या फिर मार्च में हो जाएगा, मतलब कि 2020 में दिसंबर को लॉन्च होगा, नहीं तो करीबन मार्च में हो जाएगा, देखते हैं कब लॉन्च होता है। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक वीडियो में।